शरीर से स्पर्श हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा काम। राजा चंद्रसेन मंदिर के अंदर इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनके पास में वो नगर के राजा थे, और नगर का राजा जब अगर मंदिर के अंदर जाता है, एक राजा जब मंदिर में पहुंचता है तो ब्राह्मण जो पूजन कराने वाले हैं उनको लगता है कि राजा आया है, राजा आया है दक्षिणा ज्यादा देगा, राजा आया है भेंट ज्यादा देगा, राजा आया है मंत्री आया है, कोई राजनेता आया है, कोई सत्ताधारी आया है, कोई वैभवपति आया है, कोई सेठ आया है। मंदिर के अंदर जब पैसे वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब मंदिर के अंदर आता है तो पूजन करने वाले को लगता है कि दक्षिणा अच्छी मिलेगी या भेंट अच्छी मिलेगी या वो संभाल लेगा। तो राजा चंद्रसेन को लगा मेरे जाने से पूजन करने वाले की दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है और वो भगवान पर दृष्टि नहीं दे पाता है, तो राजा चंद्रसेन मंदिर में जाना बंद कर दिया। क्या करता था? केवल मंदिर की चौखट पर जाता था, शीश नवाता था, प्रणाम करता था, और मंदिर की चौखट पर जाकर शीश नवाकर प्रणाम करता तो वही दरवाजे पर मणिभद्र विराजमान थे, भगवान शंकर के गण मणिभद्र रहते थे। उन मणिभद्र ने देखा रोज आता है, दरवाजे पर शीश लगाता है, बैठ जाता है, द्वार के पास बैठता है, घंटों तक देवादिदेव महादेव को निहारता रहता है। तब मणिभद्र ने अपनी एक मणि निकालकर राजा चंद्रसेन को दे दी। किसी मंदिर में जा रहे हो, वहां तुम खड़े हुए हो, खड़े हो, खड़े हो के दर्शन कर रहे हो वो अपनी जगह पर। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक शिव का शिवालय कौन होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी जगह नहीं है, और आप कहते हो कि जब मंत्र का जाप करो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तो बैठ कर बोलो। क्यों, हमें क्या पड़ी? हम तुमसे ये नहीं कहते कि अपनी अपनी जगह पर खड़े होके मंत्र का जाप करो, सब लोग प्रार्थना करते खड़े होके तुम भी करो। बैठने का क्यों कहते हैं कि एक क्षण बैठ जाओ, क्यों कहते हैं बार बार बैठने का? उसका एक कारण ये पोहा बनाकर गरम पानी के भगोने के ऊपर रख देते हैं जिससे पोहा गरम बना रहे। उसी तरह जिस जगह पर आप कथा सुन रहे हो, मंदिर है, देवालय है, शिवालय है, वहां बैठते हो तो वहां की जो ऊर्जा है आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और आप जब घर जाते हो जैसे हो गरम की गरम ही बने रहते हो, ताजे की ताजे ही बने रहते हो। दो क्षण बैठ कर उसका भजन, एक पोते की गोद में दादा बैठता है, पोते की दादा की गोद में जब पोता बैठता है तो दादा की गोद में जब पोता बैठता है तो बैठता है तो ऐसे ही नहीं उठता है, कुछ लेकर उठता। हमारी गांव की माताएं जो हरियाणा पंजाब साइड की माताएं वो एक बात करती हैं, गोबर गिरता है तो धूल लेकर उठता है, गाय का जब गोबर गिरेगा तो वो धूल मिट्टी लेकर उठेगा। उसी तरह शिव कथा में, शिवालय में, देवालय में, शंकर भगवान की कथा में, मंदिर में, शिवालय में जो बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर उठता ही है, खाली नहीं उठता। वो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा ये निश्चित। कहां बैठे हो आप? आपके दादा की गोद में। शिवजी को हम दादाजी भी कहते हैं, शिवजी को हम बाबा जी भी कहते हैं,
शिव जी को हम पिता भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। कहां बैठे हो? उस देवाधिदेव महादेव की गोद में बैठे हो। अब उस महादेव की गोद में बैठे हो, आज कथा का विराम दिवस है। 7 दिन तक तुम्हारे रिश्तेदार मेहमान आते हैं, रोज चांदनी चौक घूमने जाएंगे, रोज इधर उधर घूमने जाएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के बच्चों को रोज 100 रुपए नहीं देंगे, रोज 500 रुपए नहीं देंगे, रोज 50 रुपए नहीं देंगे। पर जिस दिन रिश्तेदार अपने घर वापिस जाने लगते हैं, उस दिन पर्स खोलकर 50, 100, 500 तुम्हारे घर के बच्चों को देकर जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण भी जाती है तो आखिरी दिन देकर जाते हैं। रिश्तेदार जाते हैं, 100, 50, 500 रुपए तुम्हारे घर के बच्चों को देकर जाते हैं। कथा का विराम दिवस होता है। दुनिया के लोग कहते हैं आखिर समापन पर इतने भारी संख्या में भक्त क्यों पहुंचते हैं? लोग विराम दिवस पर कथा में इतने लोग क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको मालूम है मेहमान जाएगा तो कुछ देकर जाएगा, कथा जाएगी तो कुछ देकर जाएगी, वो प्रदान करेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहे पसारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा राजा रहा हूं, उठा लो उठा, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं उठा लो उठा। बाबा बहुत दुख इस हृदय में भरा हुआ है, कहीं बच्चों का है, कहीं परिवार का है, कहीं शरीर का है, कहीं रोग का है, कहीं बीमारी का है, कहीं कष्टों में घिरा हुआ। ऐसा कोई मनुष्य संसार का नहीं है जिसको सब सुख परमात्मा ने दे दिया, कोई नहीं। एक पत्र आया, देखिए, अंधाल जिला पश्चिम बंगाल से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूं, विपिन प्रसाद सिन्हा, अडाल जिला पश्चिम बंगाल से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, ठीक है? अच्छा, सामने है क्या? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। ठीक ठीक ठीक, दिख गए दिख गए। गुरुदेव, मैंने सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट आपको लगाई है, मैं बखान क्या करूं मेरे बाबा का? गुरुदेव, 3 मार्च को रोड दुर्घटना में पुत्र का एक्सीडेंट हो गया था, भैजा पूरा टूट के दूसरी जगह गिर गया था, उसकी प्लास्टिक की
खोपड़ी लगाई गई, प्लास्टिक का सिर लगाया। लड़का ठीक नहीं हो पा रहा था, कुछ शरीर में जब मस्तिष्क का सारा ब्रेन निकल गया तो दूसरा लगाया, तो उसमें कुछ तकलीफ हो गई जिससे वो सामान को उठा उठा कर फेंकने लगा। विवेक उसका काम नहीं करता, तकलीफ में आ गए। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था, जेपी हॉस्पिटल, आकाश हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, फोर्टिज हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटलों में उसका इलाज कराया पर कोई आराम नहीं। तब किसी ने कहा कि एक बार कथा के पंडाल में कहीं बैठकर कथा सुनो। हम लोग 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर पहुंच गए गुरु जी, बहुत भीड़ थी, कथा में रहे, बाबा की कृपा से कोई तकलीफ नहीं हुई। वहां रुद्राक्ष भले नहीं मिला, एक कंकर शंकर मानकर उठा लाए, उसको नहला देते, उसका पानी बेटे को पिला देते। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा बहुत ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं। मैं प्रणाम करने आया, बैठिए बाबा जी, हर हर महादेव, बैठिए, श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व को जान, एक एक पत्र और है। तेरी कृपा बिना न हिले, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चिपटी बहुत में खजाना। अजय वर्मा शाहदारा दिल्ली से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं अजय वर्मा जी बैठे हो तो आके लाइएगा। अजय वर्मा दिल्ली से, शाहदारा दिल्ली, कहीं बैठे हो, सामने है क्या, हाथ हिला दीजिए एक बार। अच्छा आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्ते। दिल्ली से हूँ गुरु जी, भोले बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं, उनकी कृपा कब और किस पर किस रूप में हो जाती है मुझे नहीं मालूम। मेरे बेटे के व्यापार कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा था, समस्या बहुत बड़ी थी, उसका पेमेंट कई महीनों से रुक गया था, आ ही नहीं रहा था, परेशान हो गए, चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन भोले बाबा ऐसी कृपा हुई, इंस्टाग्राम पर उसने आपका घी के दिए में काले तिल डालकर तुमरुका जी के नाम लेकर सोमवार के दिन भोले बाबा के मंदिर में लगाने वाला इंस्टाग्राम पर सुन लिया। बाबा के मंदिर में दीपक जलाने वाला उपाय जब सुना, परंतु उसने ये उपाय सोमवार की रात को सुना और भोले बाबा पर अपना सब कुछ, उसने केवल एक छोटी सी क्लिप इंस्टाग्राम पर सुनी थी आपकी, और सुनकर उसने सब भोलेनाथ जी पर छोड़ दिया, और बाबा को छोड़कर दूसरे दिन उसने, क्योंकि मंगलवार का दिन था, वो बाबा को दिया लगाया। और गुरुदेव, शायद दुनिया का पहला ऐसा पर्चा होगा, पत्र होगा जो आपके पास आया। आप कहते हो 3 महीने में बाबा देता है, उसने क्लिप सुनी, रात निकाली, दूसरे दिन बाबा को दिया लगाया या बुधवार के दिन उसका पूरा पेमेंट आ गया और शिव जी ने संभाल लिया। गुरुदेव, नवयुवक बच्चों में जो बल दिया है, नवयुवक बेटा बेटियों ने जो कथा सुनकर उनमें जो ऊर्जा आई है, ये ऊर्जा कभी नहीं देखी, जो बच्चे शिव जी पर भरोसा कर रहे हैं। मात्र 3 दिन में उसका जो महीनों से पेमेंट पड़ा हुआ था और बहुत काम की उलझन थी, बाबा ने संभाल लिया। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी आपने, तेरी लीला का ना पाया कोई पार,
लीला तेरी तू ही जाने। बहुत बहुत बधाई आपको वर्मा जी, बहुत साधु, खुश होइए अब तो, बाबा की कृपा ऐसी ही बनी रहे। शिव तत्व पर अपना विश्वास। एक पत्र बड़ा सुंदर है, ध्यान दीजिए। मैं गायत्री चौहान मंडावली दिल्ली की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो गायत्री जी तो हाथ हिलाइएगा। मैं गायत्री चौहान मंडावली दिल्ली की निवासी हूँ। कहीं बैठ, अच्छा इधर है क्या? हाँ ऐसे हाथ हिला दो, दिख गए। मंडावली दिल्ली की निवासी हूँ बाबा बखान, क्या करूँ? अगस्त 2022 में सीहोर गई थी, वहां से मैंने कंकर शंकर लेकर एक रुद्राक्ष लेकर आई। गुरुजी, मेरे पापा की किडनी में दिक्कत थी और मेरे चाचा की लीवर में ज्यादा दिक्कत थी। गुरुजी, मेरे चाचा अस्पताल में भर्ती हुए, लीवर में से पस निकलने लगा। जब पस निकलने लगा तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेट कर पस निकालना पड़ेगा। मेरे चाचा घबरा गए और शरीर से भी कमजोर थे। वो परिवार वालों से बोले कि मेरे शरीर में से, लीवर में से पस मत निकलवाओ, मुझे घर ले चलो। दूसरे मरीजों की स्थिति देखकर, जिनके लीवर और किडनी में तकलीफ थी, उनकी स्थिति देखकर मेरे चाचा रोने लगे और वापिस हॉस्पिटल से घर आ गए। हॉस्पिटल से घर आ गए, उन्होंने पस नहीं निकलवाया। रोते थे, पड़े रहते थे। हमने जो रुद्राक्ष लाए थे, कंकर लाए थे, वो रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर एक बेलपत्री चाचा को खिलाना प्रारंभ करा। दूसरी बार उसी हॉस्पिटल में वापिस उनका पस निकलवाने के लिए लेकर गए। जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कह दिया इनका लीवर ठीक हो गया है, शरीर में पस नहीं है। अब ठीक है वो? हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। आप शिव मंदिर में जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, उस बेलपत्री का सेवन कर रहे हैं या चढ़ा हुआ जल ग्रहण कर रहे हैं, ये इसमें आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, विश्वास पक्का। जैसे उस बच्चे ने, वो वर्मा जी के बेटे ने, केवल एक क्लिप इंस्टाग्राम पर मात्र आई, सुनी, मन बना लिया कि अब इतना कर्जा अगर बढ़ रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, तो एक दिया लगे। विश्वास जागा। जब भरोसा जागता है तभी महादेव मिल पाता है, बिना भरोसे के महादेव नहीं मिल पाता। बहुत कठिन है। बोलबम का नारा है। जब विश्वास जागृत होगा तब परमात्मा का मिलन होगा। तब तक परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। भटक लो आप, जितना भटकना हो तुम्हारी जिंदगी में उतने भटको। कोई कहेगा हमारे यहां जाओ, हम ये चमत्कार कर देंगे, हम ये सब धन निकाल कर दे देंगे, हम गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देंगे। कोई तुमसे कहे रातों रात तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, किसी के चक्कर में मत आना, कब वो तुम्हें रोड़पति बना दे, भरोसा नहीं है। कोई तुमसे कह दे कि रातों रात करोड़पति बना दूंगा, धनपति बना दूंगा, वैभवपति बना दूंगा, ना 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 ना। स्मरण रखना, लंकापति रावण को भी करोड़पति बनना था तो पहले तप साधना करी है महादेव की। भगवान कृष्ण के यहां 16,108 रानियां थी, जब संतान नहीं हुई
तब गर्गाचार्य बाबा से कहकर शिव जी की आराधना करी, तब एक एक रानी से 11-11 संतान हुई। भगवान राम जब जाते हैं समुद्र को पार करने के लिए, जब आखिरी में देख लिया कि कोई योग नहीं बनता, तब शिव की आराधना करते हैं। भगवान नारायण सावन महीने में 108 कमल का पुष्प समर्पित करते हैं। ब्रह्मा माता ब्रह्माणी के साथ बैठकर तप साधना शिव की करते हैं। माता गायत्री शंकर जी का स्मरण करती हैं। माँ सरस्वती जिनके पास स्वर नहीं थे, वो नटराज को प्रकट कर उनसे स्वर मांग लेती हैं। ये कोई साधारण देवाधिदेव महादेव नहीं है, जो देवताओं को भी देता है तो मनुष्य को भी देता है, मनुष्य को देता है तो पशुओं को भी देता है, पशुओं को देता है तो पक्षियों को भी देता है। इसलिए उसका एक नाम पशुपति नाथ हो गया और उसका एक नाम जो पक्षियों में सरंब पक्षी होता है वो नाम पड़ गया। जरा ध्यान दे, स्मरण दे, आपकी भक्ति आपका बल दे दो, पत्र दे दो, क्या है इसमें, लग दे दो, लग दो, पत्र दे दो, पत्र नहीं है ना, बस ठीक है, रखिए। एक भक्ति, एक बल, एक स्मरण आपके भीतर हो, विश्वास जागरूक। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदे बाए बसा, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा कहे रात रात में तुमको मैं करोड़पति बना दूं, कोई कहे मेरे पास में ऐसी विद्या है मैं यूं फेंक दूंगा गड़ा हुआ धन निकल जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा तुमको सारे दुखों से तुम्हें दूर कर दूंगा, दुनिया में कोई नहीं जिसकी किस्मत में जो लिख कर भेजा है वो उसको भोगना है, केवल देव अधिदेव महादेव मेरे राम मेरे कृष्ण मेरे शिव जिनका हम भजन करते हैं वो हमारे दुख को मिटा सकते हैं, हमारे कष्ट को मिटा सकते हैं, किसी की सामर्थ्य कोई कहे तुमसे कि मैं तुम्हारे पास में दुख नहीं आने दूंगा, समझ जाना पक्का झूठेला जो कह रहा है कि तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा। भगवान कृष्ण कहाँ जन्म लिए थे, बोलो जम के बोलो, अरे दुनिया के दुख हरने वाले को आधी रात में आना पड़ा, दुनिया के बंधन खोलने वाले को कारागार में, जरा विचार करिए जो दुनिया के बंधन काटता है मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो वो भी कारागार में आता है, जो दुनिया को उजाला फैलाता है वो भी आधी रात को आता है। जरा विचार करना, पृथ्वी पर जन्म लिया है मृत्यु लोक में जन्म लिया है, कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, ना ना किसी के चक्कर में मत आना, कोई तुमसे कहे ये विद्या कर लो वो विद्या कर लो ऐसा कर लो वैसा कर लो ये दोष लग गया वो दोष लग गया, ना ना सबसे बड़ा दोष होता है अपने पूर्व के कर्म का दोष, जो हमने पूर्व में करा है